हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। आप देख रहे हो एक दी टेक्निकल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 इन पाकिस्तान, जिनमें कैमरा, गेमिंग दोनों और बैटरी बैकअप वगैरह के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है टेक्नो कैमन 15, जो कि बेसिकली एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। 6.6 इंचेस का पंचोल डिज़ाइन में है और उसके अंदर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और यहाँ पर एक AI सेंसर है, जो कि बेसिकली इन्होंने क्वाइट कैमरा सेटअप नंबर पूरा करने के लिए लगाया है। तो ये फ़ोन आप कैमरा के लिए कंसीडर कर सकते हो। उसका अल्टरनेटिव अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसकी पीछे से डिज़ाइन है, एंड अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह इन्फिनिक्स S5 को कंसीडर कर सकते हो। दोनों ही सेम टाइम पे लॉन्च हुए थे और दोनों की ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन है। हीलियो P22 का प्रोसेसर है, 4000 या कुछ 5000 mAh की इसके अंदर बैटरी होगी और 10 वॉट की नॉर्मल चार्जिंग है। कोई फास्ट चार्जिंग वगैरह इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी और बैक में जो फ्लैश है वो भी क्वाड LED फ्लैश है। तो मतलब आपको कैमरा चाहिए, सिर्फ कैमरा और डिज़ाइन वगैरह चाहिए, लुक वाइज डिवाइस अच्छी चाहिए, तो टेक्नो कैमन 15 या फिर इन्फिनिक्स S5 आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। 5000 mAh की बैटरी है, 4GB 64GB वेरियंट है, Android 10 बेस्ड फ़ोन है और यहाँ पर जो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट फ़ोन पे। तो दोस्तों, जिन लोगों को सिर्फ गेमिंग चाहिए उनके लिए टेक्नो स्पार्क 6 एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। इसके अंदर है हीलियो G70 प्रोसेसर, 6.8 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले, 4GB 64GB वेरियंट है और 16 मेगापिक्सल का बैक में क्वाइट कैमरा सेटअप है और ऐसे कुछ इसकी डिज़ाइन है। बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा एंड इसकी जो कैमराज है वो भाई इतनी अच्छी नहीं है, जस्ट आपको गेमिंग के लिए अगर कोई फ़ोन चाहिए आप इससे जो है ना यूट्यूब वीडियोज़ भी अच्छे से मतलब गेमिंग वीडियोस बना सकते हो, स्टार एनोनाइमस आप बन सकते हो इस फ़ोन के थ्रू। तो इसकी जो है गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई क्लास की है, अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। कैमराज इसकी अच्छी नहीं है, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ। 8 मेगापिक्सल की यहाँ पे सेल्फी है, तो कैमरा के लिए आपको ये फ़ोन नहीं लेना, आपको ये लेना है सिर्फ गेमिंग के लिए। तो अगर जिनको सिर्फ गेमिंग चाहिए, और ये 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है लेकिन डब्बे में जो चार्जर है वो आपको 10 वॉट का देखने को मिल जाता है, तो मतलब अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आप अलग से इसके लिए चार्जर बाय कर सकते हो। 5000 mAh की बैटरी है जो कि काफ़ी अच्छा बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगी। टेक्नो का लेटेस्ट iOS 7.0 है जिसके अंदर आपको एड्स भी देखने को मिलेंगी, लेकिन आप उसे डिसेबल कर सकते हो सेटिंग के थ्रू। अब मैं आपको बताता हूँ इस फ़ोन की फुल स्पेसिफिकेशन उसके बारे में। तो इस फ़ोन के जो कलर्स हैं वो 4 हैं। मुझे डिज़ाइन इसकी इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब आपको कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, लेकिन टेंशन मत लो, जो नेक्स्ट फ़ोन में बताऊँगा वो डिज़ाइन वाइज इससे अच्छा है। 4GB 64GB वेरियंट है, 720p का HD+ डिस्प्ले है लेकिन पंचोल डिज़ाइन में है, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको बैक में देखने को मिल जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे फ़ोन पे। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास फ़ोन है वो भी गेमिंग के लिए ही है, जिसमें बैटरी आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। ओवरऑल सेम फीचर से जो हमने टेक्नो स्पार्क 6 में देखा, इन्फिनिक्स हॉट 10 हीलियो G70 प्रोसेसर, ये भी आपकी पबजी अच्छी चलाएगा। लेकिन टेक्नो स्पार्क 6 में आपको जायरो सेंसर देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर जो है वो जायरो सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड एक सेकंड में यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसके अंदर DTS ऑडियो प्रोसेसिंग, अच्छा तो मतलब जो इसका साउंड है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन वो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, ठीक है। तो मुझे जैसे ये छपा हुआ है उससे मुझे लगा कि डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है, लेकिन सिंगल स्पीकर है। 6.78 इंचेस का HD+ स्क्रीन है, 16 मेगापिक्सल की कैमराज है और फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको जायरो सेंसर चाहिए तो इसके अंदर वर्चुअल जायरो है, मतलब डिलेज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत जायरो के साथ प्ले कर सकते हो। और इसके अंदर जो दूसरे फीचर्स है वो इनकी कैमरास वगैरह नॉर्मल होने वाली है। इसके अंदर जो चार्जर है वो भी आपको 10 वॉट का देखने को मिलता है और ये जो फ़ोन है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, लेकिन टेक्नो स्पार्क 6 जो है वो सपोर्ट करता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और 5200 mAh बैटरी में आने आपको बता दी और इसकी जो प्राइस है वो 21,000 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट के साथ आपको कहीं पे 19,000 का देखने को मिल जाएगा, 19 या 19.5 तक। और जो टेक्नो स्पार्क 6 है वो आपको 18.5 तक देखने को मिल जाएगा, उसकी प्राइस 20,000 रुपये है। और जो टेक्नो कैमन 15 और इन्फिनिक्स S5 है उसकी प्राइस भी आपको 18,500 या 18,000 में यूज्ड कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। जो न्यू है उसकी प्राइस 21,000 कुछ है, तो मैं समझता हूँ अगर आपको डिस्काउंट के साथ कहीं पे 19.5-20 तक मिल जाता है तो उनसे अच्छी कैमरा आपको जो है ना कोई और फ़ोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हो सारी कुछ इस फ़ोन के बारे में,
इसका जो वेट है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, 4G फ़ोन है ठीक है। तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p पे, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार होगी। और जो डिस्प्ले के अंदर मटेरियल है वो यहाँ पर TFT लिखा है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसके अंदर IPS LCD डिस्प्ले है या TFT है, अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्फिनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये TFT लिखा है। हो सकता है फिर TFT डिस्प्ले ही हो। 5200 mAh बैटरी है और दो सिम सपोर्ट करता है। जायरोस्कोप आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू देखने को मिल जाएगा। तो यही थी स्पेसिफिकेशन इन्फिनिक्स हॉट 10 के बारे में। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। तीसरा फ़ोन है ये जो है ना, बैलेंस टेस्ट में आपको FHD+ डिस्प्ले मिलता है। कैमराज जो है नॉर्मल है, इतनी अच्छी नहीं होने वाली। और इसके अंदर जो प्रोसेसर है मीडियाटेक हीलियो G80 है। eMMC 5.1 की स्टोरेज है। 3GB 32GB वेरियंट है। 21,000 का आपको देखने को मिलता है, लेकिन डिस्काउंट के साथ कहीं पे 19-19.5 तक आपको देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन में आपको 5020 mAh की बैटरी मिलेगी और 10W की चार्जिंग है, लेकिन अगर आप फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फ़ोन, आप अलग से बाय कर सकते हो। टाइप सी केबल है। 13 MP का मेन कैमरा है, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 5 MP का मैक्रो, 2 MP का डेप्थ सेंसर है। और यहाँ पर जो सेल्फी है वो 8 MP की है। तो मतलब कैमराज इस फ़ोन की नॉर्मल होने वाली है, और अल्ट्रा वाइड के साथ थोड़ी सी अच्छी इमेजेस आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा यहाँ पर इसका जो प्रोसेसर है वो गेमिंग सेंट्रिक है, तो आपको गेमिंग भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। लेकिन कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि ये जो फ़ोन है इसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं। तो इसके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो बेसिकली ये है कि हाई के साथ HD पे अगर हम PUBG चलाते हैं तो फ्रेम ड्रॉप्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब मुझे रिसेंटली न्यूज़ मिली थी कि इसके ऊपर अपडेट आ चुकी है, तो आई थिंक सो कि इसका जो ये इशू है वो फिक्स हो गया होगा। एंड यहाँ पे कुछ इन्होंने मतलब चीज़ें मेंशन की है। तो आपको इसके अंदर FHD+ डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, मतलब 1080p डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। बाकी जो मैंने पहले आपको फ़ोन्स बताए उनमें आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता था, यहाँ पर टाइप सी है, और भी अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको बैलेंस्ड फ़ोन चाहिए, मतलब कैमरा नॉर्मल हो, बैटरी टाइमिंग अच्छी हो, गेमिंग भी अच्छी हो जाए, और FHD+ डिस्प्ले हो, तो आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपको पांचवा ऑप्शन बताऊं तो वो इन्फिनिक्स नोट 7 है। अगर आपको यूज्ड में कहीं पे 21-22 हज़ार तक देखने को मिल जाता है, तो आप उससे भी बाय कर सकते हो। अब 2,000 ऊपर देकर आपको एक अच्छा फ़ोन मिलता है जिसकी कैमराज भी अच्छी है। स्लो मोशन आप उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं है, बहुत बुरा स्लो मोशन है भाई। बाकी आपको उसके अंदर 18 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स में देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी, मीडियाटेक हीलियो G70 है। पबजी आपकी हाई के साथ HD पे प्ले कर देता है। 4GB 128GB और 6GB 128GB का वेरिएंट है। ये जो Redmi 9 है इसमें जो वेरिएंट है 3GB 32GB है, लेकिन आप मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज बढ़ा सकते हो। तो ओवरऑल मैं आपको कहूँगा, जहाँ पर आप 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2,000 और मिला के इन्फिनिक्स नोट 7 खरीद लो। उनमें सारी चीज़ें बैलेंस्ड है, कैमरा और गेमिंग और बैटरी और डिज़ाइन हर चीज़ अच्छी है, लेकिन उसके अंदर जो डिस्प्ले है वो 720p है। तो डिस्प्ले वाइज ब्राइटनेस के थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, बाकी वो फ़ोन भाई सब चीज़ में बैलेंस्ड है। वीडियो पसंद तो लाइक करो, कमेंट दो आपका कौन सा फ़ोन फेवरेट है इन सब में से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।